श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र श्री महापुराण कथा के सातवें दिन की कथा आज 15 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। कल 16 जून को गुरुजी का जन्मदिन है और गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया है और सभी से एक कार्य करने को कहा है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज 15 जून अंतिम दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा करने का संकल्प है, गुरुजी ने कहा, जिसमें से उज्जैन, महाकाल की नगरी में और ओमकारेश्वर की धरा में श्री महापुराण कथा संपूर्ण हो गई है। करते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपका कर्जा हो गया है तो आप अपने परिवार वालों से कभी 15 लाख रुपए मांग कर देख लेना। वो तो देंगे नहीं और बाकी के लोगों को भी फोन करके बताएंगे कि पैसे लेने आए थे, नहीं दिए तू भी मत देना। तो आपका कर्जा हो गया है, दुख आ गया है, जीवन में कष्ट चल रहा है, तो आपको भोलेनाथ के सामने जाकर बोलना है और एक लोटा जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुमन वर्मा जी पत्र लेकर आईं। मेरे पोते को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसकी तबीयत खराब होती चली गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसको वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने उसके दिमाग और शरीर का पैरालिसिस हो गया है ऐसा बताया और उसे दूध भी नलियों के सहारे दिया जाने लगा। तभी हॉस्पिटल में काम करने वाली ने सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और रुद्राक्ष का जल शरीर में लगाने को कहा और हमने ऐसा ही करना शुरू किया और साथ ही रात्रि के 9:15 वाला उपाय भी किया और 15 दिन में ही मेरा पोता उठकर खड़ा हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है 9:15 वाला उपाय कैसे करना होता है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ चल रही हैं, वेंटिलेटर पर हैं। तो एक कलश जल लेना है और उसके अंदर एक आंवला आपको डाल लेना है और वो जल देवादेव महादेव को, आप चाहो तो ये उपाय घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हैं और आप मंदिर भी जाकर शिवलिंग पे कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको करना है 9:15 पर, 9:15 पर वो आंवले का जल आपको देवादेव महादेव को चढ़ा देना है और साथ ही थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और एक घी का दीपक आपको लगा देना है। हो सके तो जो 2 बूंद जल आपने झेला है वो उस पेशेंट के, उस मरीज के सर पर फेर दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। 9:15 पर यह उपाय को किया जाता है, रात्रि में किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ऐसा कोई भी देव नहीं है जिसमें भगवान शंकर की आराधना ना की हो। दुख आने पर लगे कि बाबा सुन नहीं रहा, भी आपको भोलेनाथ का साथ नहीं छोड़ना है। देवादेव महादेव को रोज एक लोटा जल समर्पित करना है, उसके द्वारे की चाकरी जरूर करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है और स्त्री को अपने बराबर मानकर, अपने बराबर सम्मान देकर चलने वाले महादेव कहलाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 12 महीने में से एक महीना सावन का आता है, जिसमें एक मौका मिलता है महादेव के पास आने का। तो आपको सीहोर में सावन में भराई जाने वाली कांवड़ यात्रा में ज़रूर शामिल होना है और इस वर्ष की कांवड़ यात्रा सीहोर से कुब्रेश्वर धाम 18 अगस्त को रहेगी। ये यात्रा 11 किलोमीटर की होती है, जिसमें आप हमारे साथ सीहोर की सिवना नदी के जल लेकर कुब्रेश्वर धाम चलते हैं। गुरुजी ने कहा, हम भी आपके साथ पैदल चलकर जाते हैं। जो मांगो वो प्रदान किया है बाबा ने, आप उनसे पूछो जिन्होंने पहले कभी कांवड़ भरा है। बाबा ने किसी को खाली नहीं छोड़ा है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी का जन्मदिन 16 जून 2024 को है, तो गुरुजी ने अपनी व्यासपीठ से कहा है, आप यदि अपने बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ देना चाहते हैं तो इतना कार्य कर देना। आप अपने घर के नज़दीक के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में एक कलश जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा और साथ ही एक दीपक प्रज्वलित कर देना। और कुब्रेश्वर धाम में भी दिन भर प्रसाद वितरण और शाम को जन्मदिन के अवसर पर भजन संध्या रखी जाएगी। जी ने आसपास के सभी लोगों को कुब्रेश्वर धाम में आने का न्योता दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। आज कथा पूर्ण हो गई है और गुरुजी की अब अगली कथा छत्तीसगढ़ गंडई में उमा महेश शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 18 जून से 24 जून तक चलेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है, मध्य प्रदेश की विदिशा में 30 जून से होने वाली है।
जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। व्हाट्सएप में हमसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक का उपयोग करें। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।